Very beautiful day in Minecraft. इन माइंड क्राफ्ट प्ले इन माइंड क्राफ्ट थर्टीन पार्ट भाई ये थर्टीन ही है कि तो दूसरा मुझे नहीं पता और देख सकते राय तो सुबह हो रही है भाई शाम हो रही है पता ही नहीं नहीं राय रात हो रही है और राइज फालतू में मैंने बोल दिया गुड मॉर्निंग अरे राय यार तो राय आप तो ये ये माइंड क्राफ्ट की पता बहुत लेट आ रही है क्योंकि मैं अभी दूसरे गेम पर भी अपना वो अपना हाथ आजमा रहा था तो अभी तो सो याद सबसे पहले और गुड मॉर्निंग बोल चुका हूँ वापस होने की ज़रूरत नहीं है और जैसे मैंने आपको तो पता है लेजेंड्स नाइन खेला था और मैंने खेला था अभी ड्रैनी कैप्टर टू तो यार वो ड्रैनी कैप्टर टू वापस खेलेंगे पर अभी तो रुक जाओ और जैसे आगे अपन एडवेंचर पर आएंगे तो सबसे पहले अपने पास एडवेंचर लाइक सामान है कि नहीं वो देख लेते हैं तो सब आतू पालतू सामान मेरे पास ही पड़ा है तो सबसे पहले तो और ये मेरी बहुत गंदगी आ रहा था मैंने इतने अच्छे चेस्ट बना के रखे हैं जाए तब भी गाइस मैं इस इस वाले कैफ में भर देता देते किसी भी कैट में तो अभी तो ये रखते हैं सब जैसा आप सा पता ही था यार बो में कितना धंधा मैं हादसा हो जाता मेरे साथ तो तो ही ना अभी चलते अपन एडवेंचर पे तो ये ये सब रख देते ड जल्दी जल्दी और ये रखने के बाद मिलता हूँ मैं तो और जैसा आप देख सकते हैं तो ये देखिए जाए अभी मैंने अपना मेन मेन सामान तो लिया ही नहीं मैं क्या पांडू तो मेन अपना ये और वो मेरे तो कुछ नहीं एक थोड़ा सा आयरन ले, ले लेते क्योंकि गाइस अपन को तो अभी आयरन के टूल बनाने पड़ेंगे अभी और क्योंकि अपन ना ये सब खत्म हो चुका है सील्ड में भी अपने पास पावर नहीं बची है बोट लेके चलते हैं क्योंकि बोट की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अपन वो नदी पार करके जाएंगे क्योंकि गाइस बाकी जाइए तो मैं एक्सप्लो कर रही है तो आज अपन वाटर तो एक्सप्लोर करेंगे तो ये तीन टाइप वाटर ले ले लेबल स्टोल ले लेते हैं मतलब और फिर उसके बाद गाइस इधर चलते हैं और इधर सबसे पहले और वुड नहीं लिया mm -hmm. गाइस मैं क्या बड़ा वाला हूँ सच्ची में पांडू तो गाइस इधर से थोड़ी सी ये वुड ले लेते ले हैं और राइस ये वाली क्यों ले रहा हूँ मैं या मेरे पास ये है हाँ तो गाइस ये प्लैंक ले लेते ले हैं अपन प्लैंक ले कर अपन बनाते हैं गाइस ये वाली क्या कहते हैं इसे स्टिक गाइस तो गाइस इस्टिक बना लेते थोड़ी सी और गाइस आटा की यह मैं गाइस यार तो गाइस इधर से अपन स्वॉर्ड बना लेते हैं दो गाइस दो सोट थी क्या आयरन की पिक्चर्स बन सकती है क्या और आयरन की पिकस बन सकती है और सील भी बना लेते हैं एक सील और बना लेते हैं और अपन इसी चीज के साथ चलते हैं और जो राइस जो मैं अपना सामान रख दूँ पहले जो जो अपना ये ये कीमती सामान है थोड़ा सा खाना ले लेते हैं क्योंकि राइस मुझे लग रहा है मेरे पास खाने की कमी पड़ी जाएगी तो इतना ले लेते हैं अपन राइस इतना अपन ने ले लिया है तो राइस अभी अपन इसे क्या कहते राइस ये खाने को इधर रख देता है क्योंकि अभी खाना अपने पास में रहेगा तो सही है और अपन क्या कहते हैं अपन डायरेक्ट चलते हैं है एडवेंचर पे क्योंकि एडवेंचर पे जाना जरूरी है और राइस ये अपने पेट है लामा और इसका नाम मैंने बता ही दिया था अपने फिर पा आपने राइस तीसरे का नाम नहीं बताया आप किसी ने कमेंट ही नहीं किया है तो यार ठीक है अब क्या कह सकते हैं तो राइस इधर अपन चलेंगे इस बार एडवेंचर पर एकदम सीधे राइस कोऑर्डिनेट तो मेरे पास है ही आता मैं घूम घूम गया तो कोई तो ना राइस और इधर से अपन क्या नीचे चलते हैं राइस और नीचे चलते हैं और राइस ये देख सकते हो रही नीचे आ चुके हैं तो इधर अपन पहले खड़े हो जाते हैं ये प्लेटफॉर्म पर और अपन क्या अपनी बोट इधर बाहर जाते हैं क्योंकि अपन जो तो बोट की जरूरत पड़ेगी और ये आयरन तो पहले अंदर रख देते हैं और राइस इधर अपन अपनी बोट रखते हैं और इस इसमें बैठ बैठ कैसे जाए समझ में नहीं हाँ इधर से बैठते रहें और अरे राइस मैं उतर क्यों राइ बोट चलाना नहीं आता है मुझे अरे गाइस मैं क्या कर रहा हूँ यार गाइस यार ऐसे चलाते शायद नहीं राय इधर से सीधे सीधे चलाते हैं तो गाइस आज अपन थोड़ा ढूंढेंगे गाइस क्या है क्या है और गाइस जैसा सब देख सकते हो यार ये मेरा ये जो सील्ड है ऐसे आ रहा है क्योंकि मैं बोट पर बैठा हुआ तो नहीं इधर से अपन सीधे सीधे चलते हैं और देखते अपन को सा कोई नया एरिया मिलता है या कुछ मिलता है तो गाइस वैसे मैं सीधे सीधे जाऊँगा क्योंकि मुझे रास्ता याद रहा है मैं कहीं घूमना जाऊँ तो इसलिए सीधे सीधे और ये देख सकते हो इधर तुझे नहीं है तो इधर हाँ अच्छा। तो से अपन इधर ही चलता है हमारे टाइम मैं कहाँ आ चुका हूँ जाएगा अच्छा इधर था अपन तो इधर से जाए को सीधे सीधे चल तो है और ये क्या है ये नीचे जो दिख रहा है मुझे अरे ये तो ऐसे स्ट्रक्चर है और ये देख सकते हो ये भी बहुत सही एरिया है ये बुट्टा एरिया है तो इधर से अपन इधर चलते हैं थोड़ा इधर सीधे सीधे और इधर से अपन थोड़ा इधर देखते हो रहा है ये तो वो आइलैंड है जो मुझे पता है इधर तो नहीं आना पड़ता और डॉल्फिन देख सकते हो अब डॉल्फिन थी वो और मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी लग रही होगी तो सॉरी वो मेरी थोड़ी डला बैठा है तो राश अपन सीधे सीधे चलते और कहीं और नहीं देखना है वरना अपन क्या है उधर ही चल देंगे तो अपन क्या सीधे सीधे चलते हैं और एक आइलैंड रहे हैं क्योंकि आइलैंड पर अपन को विलेज भी चाहिए क्योंकि विलेज की अभी मेन जरूरत है नहीं मिला ना तो फिर दिखता तो ये मेन सीधे सीधे चलते हैं अपन और आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मिलता हूँ ऐसा देख सकते हो मुझे छोटा सा आईलैंड और है और सच्ची में बहुत छोटा सा है देख सकते कितना छोटा सा आइलैंड है गाइस ये तो बहुत छोटा है ऐसा आइलैंड तो नहीं चाहिए अपन तो अपन तो बड़ा आइलैंड ही चाहिए अभी तो अपन सीधे सीधे चलता है जाए मुझे लग रहा है मैं गायब तो नहीं हो जाता क्योंकि इधर से रास्ता पता नहीं कहाँ पर ये चाहे नीचे यारे नीचे भी राय कुछ नहीं है इधर से अपन सीधा सीधा चलता हो जाए रफ्तार बढ़ाता है अपनी और या जाए रफ्तार बढ़ाते हैं थोड़ा अपन ऐसे ही कहीं इधर चले आता है तो ऐसे ही सीधे सीधे चलते बस सीधे सीधे चलते हैं देखते हैं और ये देख सकते हो जाए ये भी छोटा सा आइलैंड है इधर भी अपन को तो अभी जरूरत नहीं है तो इधर अपन चलते हैं और और यार कुछ मिल ही नहीं रहा है अपन कितनी देर से घूम रहे बोट पे और ये देख सकते हो इधर पूरे वो जो भी कहते हैं इन्हें इनका नाम नहीं पता जाए इन्हें क्या कहते हैं ये जो ऐसे बाहर निकल रहे और ये देख सकते हो तो ये ऑप्टोपस है जो घूम रहा है पानी के अंदर और सेकेंड हाँ राश से दा, दाए से. ये ओशियन मोनूमेंट है शायद हाँ राइस ये ओशियन मोनूमेंट है इधर से और इधर से मुझे भागना पड़ेगा राइस इधर से मुझे इधर नहीं रहना इधर ओशियन मोनूमेंट है एक बार राइस मैं इधर के कोऑर्डिनेट ले लेते तो एक बार राइस मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया तो राइट इधर से तो अपन पहले चलते हैं राइ राय इधर ये ओशियन मोन्यमेंट है यह अपन तो सही मिल चुका था रज तो अपन भाग क्यों रहा हो अपन तो सो मैनेजमेंट मिल ही चुका है तो सही है अरे अभी तो इसमें रेड नहीं मारेंगे क्योंकि राइस अभी इसमें रेड मारना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास इतनी पावर नहीं है और मुझे माइनिंग फटीक भी दे दिया है इधर के अपन आते हैं तो और ज देख सकते हो मुझे तो मिल गया है तो देखते हैं राइस क्या ये राइस हाँ राइस ये तो बड़ा एरिया है तो थोड़ा ये टाइलैंड मेरा है या फिर आईलैंड ही है छोटा सा तो इधर अपन चलते हैं इधर से अपन पहले निकल जाते हैं और इधर से अपन पहले बोट को तोड़ लेते हैं अपनी क्योंकि तो बोट ज़रूरी है अपन को अपन को चाहिए होगी बोट और ऐसे टूट नहीं रही है राइस गाइस बोट मिल चूंकि अपन, अपन को और राइस अपन के हैं अपन इधर से चलते हैं और राइस अपन को माइनिंग फटीज मिल चुका है तो तन तो ये ब्रेक नहीं कर सकता अभी दे ये ये देख सकते हो रहा कितना धीरे धीरे मैं ब्रेक कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ ये तो बहुत दिक्कत हो रही है यार हम देखते क्या होता है इधर से थोड़ा अपन चलते हैं ऐसे ही सामने विलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये क्या हुआ ये तो चालू हो गया है। ये ख़त्म हो गया नहीं नहीं राइस है है और ये बहुत सही एरिया है मेरे हिसाब से तो ये राइज़ ये देख सकते हो ये तो पूरा प्लेन एरिया है और अरे मैं रेड नहीं लाया हूँ इधर अरे इधर राइस पिलेर आउट पोस्ट है तो राइज पिलेयर आउट पोस्ट है इधर तो अभी तो रात हो रही है राइस तो मैं क्या सोचता था इस वीडियो तो अपन इधर ही एंड करते हैं अब अपन अगले वीडियो में पिलेर आउट पोस्ट को भी देखेंगे उसके अंदर जाएंगे तो राय ला इस वीडियो तो आप लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना और रात हो रही है तो मैं जल्दी से भागता हूँ गेम्स के अंदर से और अब अगले वीडियो में देखेंगे क्या होता है तो सी यू सुन बाय बाय